हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है नॉर्थर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी NCL की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है NCL रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बम्पर 338, सॉवल ऑपरेटर, डंपर ऑपरेटर और वेरियस अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 1502 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिल जाएगी, यानी हर महीने आपको 45 से लेकर 50,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी मिल जाएगी। अगर जॉब लोकेशन की बात करें तो यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ही रहेगा दोस्तों, जबकि इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड कम्प्लीटली ऑनलाइन रखा गया है। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो सॉवल ऑपरेटर के लिए 35 वैकेंसी है, डंपर ऑपरेटर के लिए 221 वैकेंसी है, सरफेस माइनर ऑपरेटर के लिए 25 वैकेंसी है, डोजर ऑपरेटर के लिए 37 वैकेंसी है, ग्रेडर ऑपरेटर के लिए 6 वैकेंसी है, पे लोडर ऑपरेटर के लिए 2 वैकेंसी है, वहीं क्रेन ऑपरेटर के लिए 12 वैकेंसी है। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स की, तो इसके लिए हमें इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही चेक करना होगा। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स की, तो ये आप टेबल देख सकते हो स्क्रीन पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं सॉवल ऑपरेटर ट्रेनी की, तो इसके लिए अनरिजर्व के लिए 15 वैकेंसी है, EWS के लिए 3 वैकेंसी है, OBC नॉन क्रीमी लेयर, SC के लिए 5-5 वैकेंसी है, जबकि ST कैटेगरी के लिए 7 वैकेंसी है। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों डंपर ऑपरेटर ट्रेनी की, तो इसके लिए अनरिजर्व के लिए 90 वैकेंसी है, EWS के लिए 21, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 33, SC के लिए 33, जबकि ST के लिए 44 वैकेंसी है। और यहाँ पे बैकलॉग वैकेंसी OBC, SC और ST के लिए 1-1 है। अगर सरफेस माइनर ऑपरेटर ट्रेनी की बात करें, तो इसके लिए अनरिजर्व के लिए 12, EWS के लिए 2, OBC के लिए 3, SC के लिए 3 और ST के लिए 5 वैकेंसी है। वहीं अगर डोजर ऑपरेटर ट्रेनी की बात करें, तो अनरिजर्व के लिए 16, EWS के लिए 3, OBC के लिए 5, SC के लिए 5, जबकि ST के लिए 8 वैकेंसी है। इसी प्रकार से ग्रेडर ऑपरेटर ट्रेनी की बात करें, तो अनरिजर्व के लिए 5 वैकेंसी है, वहीं ST के लिए 1 वैकेंसी है। अगर पे लोडर ऑपरेटर ट्रेनिंग की बात करें, तो इसके लिए अनरिजर्व के लिए 2 वैकेंसी है, जबकि क्रेन ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए अनरिजर्व के लिए 7 वैकेंसी है, EWS, OBC और SC के लिए 1-1 वैकेंसी है, जबकि ST कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी है। वहीं बैकलॉग और बाकी की अदर वैकेंसी आप इसे पहुंच करके आसानी से स्क्रीन पर चेक कर सकते हो दोस्तों। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 10th यानी कि 10वीं कक्षा पास कर रखा है या फिर क्लास 12th यानी कि 12वीं कक्षा पास कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात करें, तो जिन कैंडिडेट्स की आयु 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच है 31 अगस्त 2023 से पहले तक, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर एज लिमिटेशन की बात की जाए, तो OBC कैटेगरी को 3 साल तक का, जबकि SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल तक का एज लिमिटेशन दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करें, तो OBC और EWS कैंडिडेट्स को देने होंगे 1,180 रुपये। वहीं SC ST ESM यानी कि एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन होगी दोस्तों, जबकि सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए, तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 9 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 31 अगस्त 2023 तक चलेगी। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।